ये कितने का है? 1500 का। ये 1500 का है जी। और इसके साथ ये कार जो है ये 500 की है। कोई खिलौना उठा के भाग भी जाता है कभी, कोई फिर मुझे बता भी देता है कि इसने यार खिलौना उठा लिया, आपको पता नहीं चला। मैं कहा नहीं चले, अल्लाह पाक तो देख रहे हैं, मैं नहीं देख सकती। हम लोगों का ये सपना है कि हमारा अपना हो, ताकि हम लोग रेंट से भी बच जाएं। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है, उस वो जो अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सके। अपनी मेहनत के साथ काम करें और भीख की तरफ ना जाएं। भीख मांगना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, हमारे नबी को भी ये भीख मांगना पसंद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब एक चीज़ इंसान से लेता है, कोई एक सलाहियत इंसान से लेता है, तो उसके बदले में 100 अता भी करता है। इसी तरह आज मोटिवेशनल स्टोरी मेरे साथ एक मौजूद हैं, फ़ीमेल सानिया, जो अपनी आंखों से महरूम है, जिनकी बिनाई नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं। और यहाँ पर एक फ़ीमेल होने के नाते, क्योंकि उनकी बिनाई भी नहीं है, वो खिलौने बेचती हैं, तो उनके साथ लोगों का कैसा रवैया है और उनको ये मोटिवेशन कैसे आई, ये मेहनत करने का जज्बा कैसे आया, आइए सानिया से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, बताइएगा कि ये जज्बा, ये मेहनत करने की मोटिवेशन, ये लगन कैसे आई? मेहनत करने का जज्बा मेरे अंदर शुरू से था, बचपन से था कि मैं मेहनत करूं कि कुछ बनूं, इस तरह कुछ बनूं कि एक मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने कि वाकई ये मेहनत करती है लड़की ना, तो और इसलिए। और मेहनत करने का मेरी दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूं कि मेहनत की जाए। और जिस तरह देखें, बहुत सारे लोग होते हैं ना, आंखों देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, वो भीख की तरफ चले जाते हैं, तो मैं उनको भी मशवरा ये दूंगी कि भीख ना मांगे, ये गलत है। और इस पैसे में जो होता है फ़ायदा कुछ नहीं होता, बरकत भी नहीं रहती। अपना हक हलाल का रिस्क कमाएंगे, उसमें फ़ायदा भी होगा और आपको सुकून भी मिलेगा। और इसलिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ, और जब तक मुझ में हिम्मत है, ताकत है, तब तक मैं मेहनत करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा सानिया, आप बताएँ कि आपके घर वाले कितने, आपकी शादी हुई हुई है, आपके आप ये किसके लिए सारी मेहनत कर? जी माशाल्लाह, मेरी शादी को हो गए हैं तकरीबन 1.5 साल। मैं अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड के पहले 4 बच्चे हैं, एक पहले वाइफ है। और माशाल्लाह हम दोनों मेहनत करते हैं। मेरे हस्बैंड कभी मज़दूरों के साथ मेहनत करते हैं, मिस्त्रियों की दिहाड़ लगाते हैं, कभी वो मार्केट में घूम फिर के खिलौने सेल करते हैं। और हम लोगों का सपना यही है कि हम लोगों के पास एक घर हो, बेशक छोटा सा हो। हम लोगों का ये सपना है कि हमारा अपना हो, ताकि हम लोग रेंट से भी बच जाएं। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है, उस वो जो अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सके। अच्छा सही, आपने ये बताया कि आपके हस्बैंड और आप दोनों मिल के मेहनत करते हैं। आप जब यहाँ पे आई हैं, ये अपारा में इस वक्त बैठी हुई नाज़रीन, आपको बताऊँ, आप खिलौने बेचती हैं क्योंकि आप आंखों से महरूम हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं वो क्या लेके जा रहे हैं? क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली ज़माना ऐसा, आपके पैसे पड़ रखे होते हैं, तो आपको कभी ऐसी मुश्किल पेश आई? जी ऐसे कभी कभी होता है, कोई खिलौना उठा के भाग भी जाता है कभी, कोई फिर मुझे बता भी देता है कि इसने यार खिलौना उठा लिया, आपको पता नहीं चला। मैं कहा नहीं चले, अल्लाह पाक तो देख रहे हैं, मैं नहीं देख सकती। और कुछ जो होते हैं माशाल्लाह खुद से तावन भी कर देते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खिलौना ख़रीद लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वो मदद भी कर जाते हैं। जी अच्छा, एक खातून होने के नाते आपको यहाँ पर बैठ के क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा? यहाँ पे मैम मुझे बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और कर भी रही हूँ, लेकिन मैं माजूर होते हुए भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। मेरे में जब तक हिम्मत है, मैं अपनी हिम्मत को नहीं हारूँगी। यहाँ पे तकरीबन अपारा मार्केट में मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ, UPL बैंक के सामने। मैम मुझे ये मुश्किल पेश हुई है, एक शख्स था वहाँ पे, मैं मतलब ठिया लगाती थी खिलौना का, वो अपना सामान लगाता था, हौजरी का सामान लगाता, जिसका नाम है शराफत अली। वो पहले मुझे, मेरा साथ ठीक था, मतलब कि बातें शातें भी सही करता था, बेटा क्या हाल है, ठीक हो, बच्चे हाँ जी आपकी दिहाड़ लगी या नहीं लगी, इस तरह हाल चाल पूछता था। उसके बाद मैम वो रोमांटिक मूड में मुझसे बातें करना शुरू हो गया, मुझसे नंबर मांगना शुरू हो गया। जब मैंने नंबर मांग देने से इनकार किया, तो उसने बोला अपनी जगह चेंज कर लो। तो मैंने जगह चेंज नहीं की, मैं कहा मैं नहीं करूँगी कि ये तो जगह सरकारी है, क्यों आपकी जगह तो नहीं है। उसके बाद मेरा सामान कभी उठा के फेंकना और कभी मुझे गालियाँ देना, कभी बदतमीज़ी करना शुरू हो गया। और उसके बाद मैंने फिर मैंने पुलिस की मदद लेना शुरू हो गई। मैं 15 पे कॉल की, जब पुलिस आती थी, पुलिस इसको समझा कर जाती थी कि ये नाबीना बच्ची है, इसको तंग न किया जाए, तो वो पुलिस के सामने ये कह देता था ठीक है मैं इसको तंग नहीं करूँगा, खिलौने जो इसने अपनी जगह पे लगाए मैं अपनी जगह पे लगाऊँगा।
उसके बाद काफ़ी तकरीबन महीना डेढ़ इसने यही तमाशा किया रखा। पुलिस को हर रोज़ फ़ोन करती थी, वो हर रोज़ आती थी और इसको मना करके जाती थी, ये बाज नहीं आया। फिर इसको थाने लेके गए, थाने वाले भी जो हैं उसके साथ, मतलब SHO साहब हैं वो भी इसका साथ दे रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि अगर आपने आज के बाद लड़ाई की या इसके खिलाफ कंप्लेन कराई तो हम लोग आपके हस्बैंड के ऊपर पर्चा दे देंगे, 9C का पर्चा दे देंगे, SHO साहब ने बोला है। तो जब मैंने बोला SHO साहब को कि मैंने बोला सर अपने हक के लिए तो इंसान को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जगह तो CDA की है, उसकी तो है भी नहीं, मैं तो अपनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, मैं तो भीख नहीं मांगती, अगर भीख मांगती गलत काम करती फिर भी तो इनका हक बनता था, चलो मुझे मना करते, रोक टोक करते, बेटा ये बुरा काम है क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और इनका कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। और उन्होंने रोक टोक भी की कि ये लड़की आइंदा से यहाँ काम नहीं करेगी, क्यों, मैं तो मेहनत करती हूँ और मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, इसी तरह मेहनत करूंगी, जिसने मेरे साथ दुश्मनी करनी है जो भी करना है, जितने भी लोग यहाँ पे घटिया हैं जो मेरे साथ जो करना चाहता है कर ले, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने हस्बैंड को लेने गई पुलिस स्टेशन, तो मुझे पुलिस वालों ने बोला आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है। मैंने फिर 15 को कॉल की, उन्होंने बोला आपके हस्बैंड यहाँ ही हैं। मैं इतनी मुश्किल में होते हुए, मैं मज़दूर होते हुए लोगों की मिन्नतें कर करके बाइकियाँ करवा के पहले गई हूँ हॉस्पिटल, पॉली क्लिनिक गई हूँ, उसके बाद मैं गई हूँ अपारा मार्केट, यहाँ से मुझे बताया गया तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, वहाँ से मैं उसने मुश्किल से लेके आई हूँ, ये आप सबूत देख सकते हैं, ये आप पर्ची मेरी देख सकते हैं, मैं बीमार हूँ, अल्सर की मरीज़ हूँ, मुझे खून की उल्टियाँ लगी होती हैं, ठीक है, इसलिए, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती। मैं हिमाचलाइन का जज्बा जो है वो बहुत ही फ़ख्र के काबिल है, लाइक इतनी मेहनत और इनके साथ जो कुछ हो रहा है, एक माजूर इंसान के साथ इस तरह का सलूक करना जो है ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अच्छा सानिया, मुझे ये बताओ कि आप सुबह कितने बजे आती हो और इतनी मुश्किलात के बाद आप सुबह आके शाम को जाती हो, तो कैसा आपको लगता है कि आपने कभी सोचा था कि आप इस सब के साथ इतनी कामयाब हो सकोगी? जी मैं, मुझे तो नहीं लगता था कि मैं कामयाब होंगी, मुझे यही मैं यही सोचती थी मैं मज़दूर हूँ यार, मैं मेहनत करूँगी, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मैं मेहनत करना शुरू हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, लोगों के साथ मुकाबला भी करने की हिम्मत दी है, मज़दूर होते हुए भी कि लोग मुझे तंग करते हैं फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो मैं, मेरी ये टाइमिंग, मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ तकरीबन, मतलब 10 बजे यहाँ पहुँच जाती हूँ ना, और रात को तकरीबन मैं 7 बजे चली जाती हूँ। गर्मियों में मेरी ये टाइमिंग होती है, शाम को 5 बजे आ जाना, रात को 10 बजे चले जाना। ये खिलौने वगैरह जो आप बेचते हो ये कहाँ से लाते हैं? ये राजा बाज़ार से मेरे हस्बैंड मुझे ला कर देते हैं। अच्छा, सुबह छोड़ के भी वही जाते हैं और लेने भी वही आते हैं? जी, वो लेने भी आते हैं, फिर वो अपनी मजदूरी के लिए चले जाते हैं। मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ, अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम है शाज़ेब नईम, मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखें हम लोगों का यही सपना है कि हमारे बच्चे जो है, आने वाली जो हमारी नस्ल है, अपनी ज़िंदगी जो आराम से बसर कर सकें, हम उनके लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, ये मेरा सपना है। और पता नहीं मैम ये मेरा सपना पूरा होगा भी कि नहीं होगा, हो सकता है कि कल ही पूरा हो जाओ, और ये भी हो सकता है कि मेहनत करते करते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और ना हो, ये तो अल्लाह जानते हैं, लेकिन यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस मेरे सपने को पूरा करें। इंशाल्लाह आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आप 1.5 साल से यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपके पास कभी कोई गवर्नमेंट का बंदा आया, कोई NGO का बंदा आया फॉर हेल्प? जी, इंटरव्यू वाले एक दफ़ा आए थे, इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन वो मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी दिया था। जी नहीं, गवर्नमेंट का कोई बंदा आया आपकी हेल्प की है किसी ने? गवर्नमेंट का बंदा नहीं, गवर्नमेंट का बंदा आज दिन तक मेरे पास नहीं आया। कोई NGO आई आपकी हेल्प करने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आई। जो हमें देख रही है, जो ऑडियंस हमें देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइक आप जो है, आपके पास आपकी आंखें नहीं हैं, आप फिर भी मेहनत करके कमा रही हैं और अपने घर वालों का अपना पेट पाल रही हैं भीख मांगने के बजाय, तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग होते हैं, मतलब अच्छे खासे होते हैं, मज़दूर भी नहीं होते, सेहतमंद होते हैं, वो अपनी बीवियों को या माओ बहनों को घर से बाहर निकालते हैं भीख मांगने के लिए। उन मर्दों को मेरा ये मशवरा है, औरतों को भी मेरा ये मशवरा है, भीख मांगने के बजाय अगर आप लोगों के हालात नहीं ख़राब हैं, अगर आप लोगों के हालात ख़राब हैं, आप लोग मजबूर हैं, मतलब कमाने के लिए मजबूर हैं, तो आप लोग अपने हक हलाल की मजदूरी करें, कोई छोटा मोटा स्टॉल लगा लें, कोई भी आप काम कर सकते हैं, घूम फिर के भी काम कर सकते हैं, कोई चीज़ सेल कर सकते हैं, ये अपनी मेहनत के साथ काम करें और भीख की तरफ ना जाएं। भीख मांगना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी, हमारे नबी जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, हमारे नबी को भी ये भीख मांगना पसंद नहीं थी, इसलिए अपना मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए और आसानियाँ करेंगे। अच्छा सानिया, ये बताएं कि इसके अलावा आपके पास क्या टैलेंट है? जी,
के अलावा आपके पास क्या टैलेंट है, आप क्या क्या कर सकती हैं, कोई ऐसी खूबी आपके अंदर? मैम, इसके अलावा अगर मुझसे कोई नात वगैरह पढ़वाना चाहता है तो मैं नात भी पढ़ सकती हूँ। माशाल्लाह मैंने सूरह यासीन हिफ्ज की हुई है और नात भी पढ़ सकती हूँ। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको लालच होती है कि भाई हमें फ़ीस दे, हमने नात पढ़नी है। मैं फ़ीस नहीं पढ़ती, मैं सवाब के लिए पढ़ना चाहती हूँ और मैं मुझे अच्छा भी लगता है नात पढ़ना। और अगर किसी ने मुझसे नात पढ़वानी है तो मेरा नंबर भी है 03171555773। मैं दोबारा से रिपीट कराती जा रही हूँ, मेरा नंबर है 03171555773। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं। जिस किसी ने मुझसे नात पढ़वानी है, मैं नात पढ़ने के लिए हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप रेंट पे रहती हो, आपकी जो फीसेज हैं बच्चों की वो जाती हैं सब कुछ, तो आप और आपका हस्बैंड मिल के इतना ख़र्चा निकाल लेते हो कि वो सब कुछ पूरा हो जाए? मैम, बड़ी मुश्किलात होती है कभी तो, बहुत मुश्किलात होती हैं कभी तो। ऐसा हो जाता है कि मतलब है, उनको बोल देते हैं कि अभी इस दफ़ा हम लोग रेंट थोड़ा लेट देंगे या इस तरह आगे पीछे कर देते हैं। बड़ी मुश्किलात फेस होती है, लेकिन कुछ ना कुछ करके, हम दोनों मेहनत करके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो हमारे घर का रेंट 8,000 है, त्रामड़ी चौक में हम लोग रह रहे हैं। बेसिकली तो मंडी भावलदीन के हम लोग, लेकिन अभी त्रामड़ी चौक पर रेंट पर रह रहे हैं इधर। तो 8,000 घर का किराया, और उसके अलावा बिजली का बिल जो भी आ जाए तो फिर उतना होता है, और बच्चों के अखराजात आपको पता है, खाने पीने सारा कुछ होता है। जी, बहुत शुक्रिया सानिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने सानिया का हौसला और जज्बा देखा कि कहते हैं कि अल्लाह जो है एक चीज़ देता है तो उसके बदले में 100 चीज़ें 100 सलाहियतें भी अता करता है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया। और इसी तरह सानिया भी जो है वो किसी से कम नहीं है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, भीख मांगने के बजाय वो मेहनत करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रही है। तो आप लोगों के लिए ये आज की बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप लोग भी मेहनत करें, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।